हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ गजानन गवारे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है गाइस, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस आपके डेली लाइफ का एक पार्ट है। ओके, अगर ये लेसन आपको पढ़ना है तो आपको प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप स्टार्ट में देख के फिर आप सोचेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस परफेक्टली समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियो है, आप अगर स्टार्ट करते, जो भी वीडियो हमारे देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, तब जाके आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये हमारे डेली पार्ट है, हमारे लाइफ का डेली पार्ट होता है। आपने कहा सर ये किस टाइप से होता है, आप अभी कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, और खरीदने के बाद उसे बेचते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एक बोलते हैं एक व्यवहारिक ज्ञान जो होता है हमारा। ओके, एज अ कस्टमर, एज अ सेलर, इसके हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे होता है हमको प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं कोई तो एक बिजनेस ही करूँगा तब मुझे यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो या कोई भी मतलब धंधा हो जो हम करते हैं, वहाँ पे हमको मैक्सिमम ये चाहिए होता है। किसी को भी इस पूरी दुनिया में हर चीज़, हर व्यक्ति को क्या चाहिए भाई, प्रॉफिट ही चाहिए। लॉस तो कोई लेने को तैयार ही नहीं होता। अब आपको यहाँ पे क्या, मगर कभी कभी ये भी हो जाता है आपको, मतलब क्या लॉस भी सहन करना पड़ता है, मतलब क्या लॉस भी आपके इस हिस्से में आ जाता है। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए प्रॉफिट कब होता है लॉस कब होता है, सर ये तो बेसिक होना चाहिए ना। नहीं तो बच्चों ने मैंने बोल दिया कि 10 की पेन है भाई, ये 10 रुपये की पेन है, आप इसे जाके मार्केट में बेच के आओ। अब बेच के आना तो ये 10 की पेन 10 को बेच के आएगा, वो क्या क्या मतलब आपकी मेहनत तो निकलनी चाहिए ना। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, अगर ये मेरी 10 की पेन है तो मैं इसे मार्केट में जाके 10 के ऊपर की प्राइस, आप 11 रुपये लीजिए, 12 रुपीज़ लीजिए, 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ जितनी चाहिए, मगर 10 के अबो वाली वैल्यू पकड़ेंगे, मतलब कोई भी इसकी वैल्यू प्राइस डिसाइड करोगे और उस प्राइस पे उसको बेचोगे, तब जाके आपको प्रॉफिट होता है। अगर मैंने बोल दिया भाई ये 10 की पेन है आप मार्केट में जाके बेचो, वो बहुत ही बड़ा आदमी, मतलब उसके दिमाग में कुछ समझा ही नहीं, वो जाके 10 की पेन वो 8 रुपये को बेच में आया, मतलब 5 रुपये को बेच में मतलब बेच के आया गया रिटर्न, तो क्या हो जाता है, वो क्या फील हुआ आपको। आप मैंने तो 10 को खरीदा था, बेचा कितने को भाई, 8 रुपये या 10 रुपये को, मतलब क्या 10 के नीचे की प्राइस मैंने बेच दी, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी उसके नीचे की प्राइस हो गई मेरी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा। चलो, तो मैंने यहाँ पे कहा था क्या हमको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले कौन कौन से टर्म है वो आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले एक टर्म होती है सीपी बोल के, इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके गाइस, इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस होती क्या है, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं या उसकी मूल वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी आर्टिकल, आर्टिकल यानी क्या कोई भी चीज़ वस्तु, किसी भी वस्तु की एक वैल्यू होती है उस वैल्यू को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या, या किसी वस्तु को मैंने खरीदा, जैसे मैंने एक मार्केट था, उस मार्केट में से क्या किया मैंने कोई चीज़ खरीदी, उसने मुझे 10 रुपये, मतलब उस मार्केट से मैंने 10 रुपये का ये पेन, मैंने अभी कहा ना ये पेन मैंने 10 को खरीदी, तो वो मेरी खरीदी हुई कीमत क्या होती है, खरीदी हुई वैल्यू हमको कहते हैं क्या सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, उसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आता है क्या एसपी। अब सर ये एसपी क्या है, ओके एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। ओके ये होता है सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग आप तो बहुत बच्चों को पता है सेलिंग क्या होता है, यानी बेचना होता है। कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने वाली कीमत होती है, सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाली। अगर किसी बच्चों को समझ में आए जो हिंदी मीडियम से या मराठी मीडियम से हो उसको भी मैं बता रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस यानी हमारी खरीदी हुई कीमत होती है और सेलिंग प्राइस हम यानी बेचने वाली। अगर मैंने कहा ये 10 की पेन थी जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, इसकी कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद मैंने कहा कि ये पेन मैंने कितने को बेची इस मार्केट में, जाके मैंने इस पेन को 15 रुपये में बेच दिया। ओके इस पेन को मैंने क्या किया मार्केट में जाके 15 रुपये को बेच दिया, तो बेच देना ने क्या सेल किया ना, इसको सेलिंग कर दिया मैंने, इस पेन को सेल किया, तो वो वाली मेरी जो प्राइस होगी 15 रुपीज़ या जो भी प्राइस, ओके मैंने बेचने वाली जो भी मेरी प्राइस है उस प्राइस को कहूँगा मैं क्या सेलिंग प्राइस। अब तो यहाँ पे तो मुझे पता लग गया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। उसके बाद ये तो दो मेन टर्म आपके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करेंगे, क्योंकि इसमें आपको परसेंटेज का भी काम आ जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इस पर डिपेंड होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब सर प्रॉफिट कब होता है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ओके प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, जो भी आपकी सेलिंग वैल्यू होगी ओके वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी कॉस्ट प्राइस होगी। मतलब क्या होगा डिफरेंस, जैसे मैंने कहा कि सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस। यहां पे एक फार्मूला दिख रहा है आपको, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका मीनिंग समझते हो? अगर मेरी सेलिंग प्राइस, एग्जाम्पल यहां पर भी लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल मेरी कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है और मेरी सेलिंग प्राइस 15 रुपीज है, ओके तो इसके हिसाब से अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ये प्रॉफिट ही हुआ। क्यों? क्योंकि इस फंडे में क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी। मतलब क्या, हमारी जो सेलिंग प्राइस होती है, ये साइन जो होता है ग्रेटर का होता है, हमारी जो सेलिंग प्राइस होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है किससे भाई, कॉस्ट प्राइस से। इसका मीनिंग क्या, जब भी आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है उसे कहते हैं प्रॉफिट, ओके। तो यहां पे देखिएगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मेरे पास 10 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 15 रुपीज है। यहाँ पे हमने देखा हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम एसपी माइनस सीपी करेंगे तब आपको 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ कितने रुपीज का हुआ भाई, 5 रुपीज का हुआ, तो इसे कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए दो ही चीज जरूरी है हमारे पास, एक तो कॉस्ट प्राइस, एक तो सेलिंग प्राइस। उसमें भी कंडीशन कौन सी है मेरी, कंडीशन होगी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड है मेरा लॉस। अब ये लॉस होता क्या है, लॉस का मीनिंग ही होता है क्या कि अगर मैं कोई ये वाली 10 की पेन है और मैं इसे मार्केट में जाके 10 के नीचे की प्राइस डाल दू, मतलब मैंने 10 की पेन ले ली और मार्केट में जाके 5 रुपए को बेच दी, 10 की पेन ली थी मार्केट में जाके मैंने 5 को बेच दी, तो क्या हुआ मुझे, लॉस ही हुआ ना, क्योंकि मैंने 10 की चीज 5 को बेच दी, तो ये मेरा लॉस हुआ। तो यहाँ पे देखो लॉस का मीनिंग क्या होता है, फिर आपकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो ज्यादा होगी किससे, सेलिंग प्राइस से। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो ग्रेटर होगी ऑलवेज सेलिंग प्राइस। तो इस कंडीशन मतलब लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, इसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लीकेबल है भाई, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एसपी। एग्जांपल भी देख लेंगे यहाँ पे, अगर समझ लीजिएगा मेरा कॉस्ट प्राइस अगर 20 रुपीज लिख देता हूँ यहाँ पे, 20 रुपीज है और आपने उसको सेलिंग किया 12 रुपये, लिख देंगे 12 रुपीज को, मेरी कॉस्ट प्राइस थी 20 रुपीज मगर आपने उसको बेच दिया कितने को, 12 रुपीज को, तो ऑफकोर्स आपको तो लॉस ही हो गया। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस हुआ है सर। अब ये लॉस हुआ गया तो किस प्रकार निकालते, मेरे पास तो फार्मूला है, कौन सा है लॉस का, सीपी माइनस एसपी, ये मेरा फार्मूला है लॉस का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है मेरा लॉस, तो लॉस भी कितने रुपीज का हुआ है भाई, कैसे करेंगे, मेरे पास फार्मूला है सीपी माइनस एपी, सॉरी सीपी माइनस एसपी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 रुपीज। तो मुझे लॉस कितने रुपीज का हुआ, यहाँ पे 8 रुपीज का हुआ। यही भी एक सिंपल फंडा होता है। तो मैंने क्या कहा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या किस प्रकार निकला जाता है, दो ही चीजें याद रखनी हो, सीपी एसपी। अब सीपी एसपी तो मेरे पास है, तो मुझे क्या चाहिए, ये दो फार्मूले, ओके। अब दो फार्मूले मेरे पास भी आ गए प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट यानी एसपी माइनस सीपी एंड लॉस यानी सीपी माइनस एसपी, सिंपल लॉजिक है ये। आपको अगर फार्मूले याद होते तो नेक्स्ट फार्मूले आपको इजीली याद हो जाएंगे, कौन से फार्मूले भाई, ध्यान से रखिए। अब ये तो मैंने कहा था प्रॉफिट और लॉस की, अब इसमें भी और एक पार्ट आ जाता है परसेंटेज के फॉर्म में। अब ये आपको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना होता है, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट, ये साइन होता है परसेंटेज का, तो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए ना, परसेंटेज कभी भी आपको यहाँ पे लिखता हूं मैं, परसेंटेज ऑलवेज फाइंड आउट ऑन द यहाँ पे परसेंटेज ऑलवेज फाइंड आउट ऑन द कॉस्ट प्राइस। जो आपके परसेंटेज होते हैं लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये दोनों भी परसेंटेज हमारे कॉस्ट प्राइस की बेस पे निकाला जाते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारे सेंटर पॉइंट पकड़ा जाता है, मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस ही मेन होती है, उसके बेस पे प्रॉफिट बेस है, उसके बेस पे हमारा लॉस भी बेस है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करूँ तो मुझे तो क्या चाहिए, एक फार्मूला होता है, कौन सा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। अब ये फार्मूला अगर आपको याद होता है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, फिर से यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास सीपी है सपोज 10 रुपीज
और मैंने कहा था एसबी मेरी होगी 15 रुपीज़, और मुझे प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट कितने का हुआ था भाई? प्रॉफिट हुआ था 15 - 10 = 5 रुपीज़ का हुआ है प्रॉफिट। तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अगर यूज करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फार्मूला है मेरे पास, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। तो चलो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5 रुपीज़ का डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी कौन है मेरा? 10 है, मल्टीप्लाई 100। ये सही है। उसके बाद अगर मैं ये 10 काट दूँ तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाता है, तो बचता कितना है भाई? 5 × 10 कितना होता है भाई? 50 होता है, 50%। तो मुझे जो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है, क्या अगर किसी ने पूछ लिया कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज में किस फॉर्म में बताओगे आप? इस फॉर्म में। तो आपको परसेंटेज में इस फॉर्म में बताना पड़ता है कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है मुझे। 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है, कितने रुपये पे, मतलब कितने रुपये पे? ये 10 रुपये पे मुझे 5 रुपये तो ज़्यादा मिल गए, मगर वो परसेंटेज में बताना हो तो 50% ज़्यादा है। प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ मुझे भाई? 50% का प्रॉफिट हुआ, ऐसे अब उसको बोला जाता है। ठीक है गाइज, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो आपको यहाँ पे फिर से एक है हमारा, जैसे प्रॉफिट परसेंट है वैसे यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? लॉस परसेंट भी हो जाता है। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, अब देखो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या, मैंने पहले ही कहा था परसेंटेज जो निकाले जाते हैं वो ऑलवेज सीपी पे बेस पे निकाला जाता है। अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज पे यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, या प्रॉफिट की जगह पे लॉस आएगा, कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ इस पे आ जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे देखिएगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। ये है मेरा लॉस का फार्मूला जो आपके सामने है। एग्जाम्पल मैं वही लूँगा जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल कि मेरी कॉस्ट प्राइस अगर मैं 20 रखता हूँ और एसपी रखता हूँ मैं, सपोज़ मान लीजिएगा 15 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस 20 है, एसपी 15 है, तो मुझे क्या हो गया भाई? लॉस हो गया। क्यों? कंडीशन क्या कहती है? क्या यहाँ पे लॉस में सीपी ज़्यादा होता है एसपी से, सीपी ऑलवेज ज़्यादा होता है एसपी से, तो लॉस ही हुआ है। तो लॉस कितने का हो गया? 20 - 15, यहाँ पे भी 5 रुपीज़ का मुझे क्या हो गया? लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज निकालना था। लॉस परसेंटेज किस प्रकार निकालते हैं? फार्मूला आपके सामने है, लॉस कितने का हुआ? 5 रुपीज़ का, उसके बाद डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी कितना है भाई? 20, मल्टीप्लाई 100। ठीक है गाइस, यहाँ पे 21 + 20 = 25 = 100, 21 + 20 = 25 = 100, और 5 × 5 कितना हो गया भाई यहाँ पे? 25%। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में जब सीपी इतना होता है, एसपी इतना होता है, तब आपको लॉस परसेंटेज पूछेगा। लॉस परसेंटेज कितना दिखाई दे रहा है आपको? फिर लॉस तो मुझे 5 रुपीज़ का हुआ है, कितना? 5 रुपीज़ का, मगर लॉस परसेंटेज कितने का होगा भाई? फार्मूला तो मेरे पास था, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, इसे कहते हैं लॉस परसेंटेज का फार्मूला। तो मैंने वो अप्लाई किया, वैल्यू पुट की, मुझे आंसर मिला, कितना आंसर मिला? 25%। समझ में आ रहा है? तो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि लॉस परसेंटेज कितना हुआ, तो आप आंसर करेंगे इस प्रकार, जो मेरे पास फार्मूला है। तो ये है मेरे 4 फार्मूले। इसके अलावा भी और एक बात है, और फार्मूले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिलहाल अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो ये 4 फार्मूले नोट डाउन कीजिएगा, तो नहीं तो मैं मिटा दूंगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट कितना रहता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ओके चलो, उसके बाद अब मैंने जैसे प्रॉफिट परसेंट कहा, लास्ट परसेंट कहा, अब इसके अलावा भी सेलिंग प्राइस और हमारी कॉस्ट प्राइस निकालने के कोई भी फार्मूले, मतलब फार्मूले होते हैं आपके पास। जैसे मैंने कहा एक होता है सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला। अब सेलिंग प्राइस जब निकालना होता है आपको, तो क्या करना होता है भाई? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सीपी। प्रॉफिट, अब ये फार्मूला कहाँ से आया सर? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फार्मूला मैंने कहाँ से लिखा? मैंने ये 2 फार्मूले इसीलिए रखे थे क्योंकि आपको ये फार्मूला निकालना इजी हो जाए। ओके, अब यहाँ पे देखो
मैंने एस पी इज इक्वल टू सी मतलब इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई सी पी। अब ये फार्मूला आपको पहचान में आ जाएगा, ये दो फार्मूले दिख रहा है आपको, इसी फार्मूले के बेस पे मैंने ये काउंट किया है। क्या होता है एस पी यानी, कभी आपके पास अगर प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 के साथ, डिवाइड बाय सी पी करोगे तो आपको एस पी की वैल्यू पता है। मतलब क्वेश्चन किस पे डिपेंड होगा, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया है और सी पी दिया है क्वेश्चन में ओनली। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, इस क्वेश्चन में क्या किया है भाई, इन्होंने डायरेक्ट प्रॉफिट सी पी, अगर आपके पास प्रॉफिट और सी पी होता है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास प्रॉफिट और सी पी है तो आप एस पी भी निकाल सकते हैं, सिर्फ फार्मूला थोड़ा चेंज है। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 100 प्लस चाहिए था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट सॉरी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी, ये इस प्रकार था, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ओके, अब देखिएगा एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी। ये एक फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले को अगर मैं फिर से उल्टा कर दूं, मतलब क्या, सीपी इज इक्वल टू, अब देखो सीपी जगह पे ही रहेगा, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस लॉस परसेंट। ठीक है, अब 100 प्लस लॉस परसेंट, तो यहाँ पे जो होता है लॉस परसेंट के वक्त मेरे हिसाब से ओके यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे जब लॉस होता है तब यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है गाइज, क्यों, क्योंकि लॉस यानी क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको, थोड़ा परसेंटेज का भी ज्ञान होना चाहिए। अब परसेंटेज में होता क्या है, परसेंटेज में जब भी प्रॉफिट की बात करूँ तो परसेंटेज जो होता है प्रॉफिट हुआ है, मैंने कहा था 10% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट तो इसका मीनिंग होता है 110, मतलब क्या 100 प्लस 10, मतलब 10% प्लस 100%, इन दोनों की अगर एडिशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा 110%, तो इसका मीनिंग इतना टाइप होता है। अगर आपको 10% का प्रॉफिट होता है तो इसका मीनिंग ये होता है 110%। ओके, सिमिलरली अगर मैंने कहा 10%, मतलब ये एडिशन हो रही है यहाँ पे, अगर मैंने फिर से कहा 10% का लॉस हो रहा है आपको, 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस वक्त क्या किया जाता है भाई, 100 में से माइनस किया जाता है, कितने ये 10%, तो 100 में से अगर मैं 10% माइनस करता हूँ तो ये यहाँ पे मिलता है मुझे 90%। तो आपको समझ में आ रहा है, जब भी प्रॉफिट की बात करूँ प्रॉफिट परसेंटेज की, तो वो 100 में ऐड होते हैं, तो इसलिए ये फार्मूला आपको दिख रहा है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 माइनस लॉस परसेंट, ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि आपको ये दो बेसिक याद होने चाहिए। जब भी प्रॉफिट होता है तो 100 में एडिशन होता है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज होता है तो 100 में एडिशन होती है, और लॉस होता है लॉस परसेंटेज होता है तब आपको उस 100 में से माइनस करना होता है। तो ये दो फार्मूले आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये दोनों फार्मूले उसी बेस पे बने हुए जो आपके सामने हैं। अब आपको यहाँ पे याद क्या करना है भाई, ये एस पी और सी पी के फार्मूले याद करने होते हैं, अगर ये दोनों फार्मूले आपके याद होते तो इसी बेस के क्वेश्चन आपको भी करने आ जाएंगे। मैं क्वेश्चन ले लूँगा, फिलहाल ये फार्मूले पर ध्यान दीजिएगा आप, ये मेरे फार्मूले थे और ओके इस प्रकार, और एक फार्मूला है फिर से इसी फॉर्म से में हम बनाएंगे, ये तो सी पी हुआ लॉस के वक्त, और एक होता है एस पी ये था मेरा प्रॉफिट के वक्त, अब एस पी जो होता है मेरा लॉस के वक्त किस प्रकार होता है भाई, एस पी मेरा लॉस के वक्त सेम होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई सी पी, ये फार्मूला है मेरा लॉस के वक्त। मतलब क्या, अगर जब मेरा लॉस होता है तब आपकी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये फार्मूला है, और सेम है मेरा सी पी किस वक्त, प्रॉफिट के वक्त, बिल्कुल प्रॉफिट के वक्त, यही इस प्रकार ही निकालना होता है। ओके, सी पी एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके गाइज, यहाँ पे देखो मैंने चारों फार्मूले आपके सामने रख दिए,
ये चार फार्मूले, पहले दो मेरे जो प्रॉफिट और लॉस वाले थे, और उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने सबसे पहले बात इस फार्मूले की करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एसपी जो कहा, अब ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, मतलब क्या देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, ये निकालना होता है और मुझे ये सारा डाटा गिवन होता है। मतलब क्या क्या गिवन होगा, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा और सीपी गिवन होगी। जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी दिया होता है तब आपको ये फार्मूला यूज करना होता है, किसके लिए, एसपी निकालने। क्वेश्चन वही पे उसी प्रकार पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द एसपी कब, जब गिवन होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी। सिमिलरली ये तो था हमारा प्रॉफिट परसेंटेज की वक्त, और सेम यहां पे मैंने एक फार्मूला लिखा लॉस के वक्त। देखो एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट, क्या फर्क है, सिर्फ माइनस का फर्क है, यहाँ पे लॉस परसेंट आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। मैंने शॉर्टकट भी बताया था, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट के वक्त, ये पूरा जगह पूरा जो टर्म होता है वो 100 में ऐड कर दो, जितना भी मैंने कहा था 10% का अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो इसका मीनिंग होता है 110। अब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि 10% ये 110% किस प्रकार बन गए, इसका मीनिंग ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है भाई, कोई भी एक्स्ट्रा ना हम किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, हमको उसके ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो ज़्यादा वाला परसेंटेज उसे 100 में ऐड करेंगे ना। कभी भी आपको एक जो वो कीमत होती है उसकी, उस चीज़ को 100% काउंट किया जाता है, और उस 100% के ऊपर और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिले तो उसको भी परसेंट में हमने कन्वर्ट किया, वो परसेंट अगर कितना मतलब प्रॉफिटेबल है तो वो हम ऐड करते हैं, अगर वो लॉसेबल है मतलब क्या लॉस है तो हम उसमें माइनस करते। जैसे मैंने कहा कि ये लॉस में है भाई, लॉस परसेंटेज है, तो मैं क्या करूँगा 100 में से माइनस कर दूंगा 10, तो मुझे आंसर आ जाएगा 90%। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 100% प्रॉफिट परसेंट दिया है और यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट, ये दो फार्मूले एक जैसी है। सिमिलरली सीपी के लिए देखो फार्मूला, सीपी के लिए भी यही फार्मूले से हमने ये सीपी के बनाए। अगर आपको एसपी का पता होता है तो आप ये पूरे के पूरे फार्मूले बना सकते, क्यों, क्योंकि ये सीपी जगह पे था, सीपी इसका मूवेबल हो गया, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया एक दूसरे की प्लेसमेंट चेंज कर दी, आपके ये पूरे के पूरे फार्मूले बन के आ जाएंगे। अब ये तो मेरे परफेक्ट फार्मूले थे, उसके अलावा ठीक है गाइस इसके अलावा और क्या है सर, अगर आप बड़े बड़े मॉल में जाते हैं या दिवाली का जब सीजन होता है तो आपने बहुत बार सुना होगा सेल सेल या डिस्काउंट या फ्लैट डिस्काउंट, ऐसे कुछ तो नाम सुने होंगे। अब ये होता क्या है, ये सच में वो डिस्काउंट होता है, इसका डिस्काउंट का मीनिंग भी समझना चाहिए ना आपको, कि बहुत बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं होती मगर जो बड़े लोग होते हैं उनको समझ में आता है, या किसी किसी को मतलब मैक्सिमम तो लेडीज़ को उसकी समझ नहीं से होती है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखे जाए तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो तो आपको पूरा मतलब ये जो मार्केट है ना अपने आप समझ में आ जाएगा, क्यों, जब भी कोई सेलर मतलब क्या जो हम दुकानदार कहते हैं वो सेलिंग पे कुछ तो बेच रहा है तो वो अपना प्रॉफिट ही बेचेगा, लॉस तो करेगा नहीं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन लॉस में कभी भी नहीं देता। और आपको बोलेगा वो कि भाई 100 रुपये की चीज़ है, ये 100 रुपये की चीज़ है, मैं आपको 90 रुपये में बेच रहा हूँ, ऐसा बोल के वो आपको क्या करेगा भाई, मतलब यहाँ पे 10% की सेल लगा देगा, 10% का सेल है, ऑफर है, ऑफर नाम भी सुना होगा आपने, ऑफर या सेल लगा है, सेल लगा, बहुत लेडीज ऐसे ही बोली जाती है। ओके ये क्या है, सब आपको मतलब पागल बनाने की कोशिश है, एक मास्टरमाइंड मार्केटिंग प्लान होता है ये, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट विपिट आप मतलब उसको दुकानदार को कुछ लॉस नहीं हो रहा है और आपको भी कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो चीज़ 100 रुपीज़ की थी अगर होती है तो वो 90 रुपीज़ को बेचेगा ही नहीं, समझ जाएगा वो ऑलरेडी उसने क्या किया होता है 10% अबो किया होता है, फिर उसके बाद ही वो ऐसे बना के देता है जैसे आपको लगता है 90 रुपये के, उल्टा ये जो 90 रुपये को बेच रहा है ना उसकी जो वैल्यू होती है वो 80 रुपीज़ होती है, आप खरीदते हो उसको 90 रुपये में तो आपको लगता है नहीं 100 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये, अब ये क्या है सर, अब इसकी तो बात करनी चाहिए ना, उसकी तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान लूँ तो ये सीपी है 80 रुपये थी मगर उस दुकानदार ने 100 रुपये बनाकर 90 रुपये में बेच दी, कुछ तो समझ में आ रहा फंडा, 80 रुपये की चीज़ को उसने 100 रुपया बनाया, 100 रुपये चीज़ को कुछ डिस्काउंट दे के मतलब लालच दे के आप लोगों को उसने 90 रुपये में बेच दी तो प्रॉफिट तो हो गया उसको 10% का, सॉरी 10 रुपये का। अब ये 100 रुपीज़ क्यों बनाया उसने, इसे कहते हैं एमपी, एमपी का मीनिंग होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। अगर आप ड्रेस खरीदने जाते हैं कोई भी मॉल में या बड़े बड़े बिग बाजार में चले जाते हैं तो वहाँ पे एक टैग लाइन होती है, प्राइस होती है कपड़ों पे हो या किसी ब्रांड पे, वो प्राइस जो होती है ना ये प्राइस है,
ओरिजिनल प्राइस नहीं होती वहाँ पे, वहाँ पे आप देखोगे तो मार्क प्राइस होती है, वो मार्क प्राइस आपको सिर्फ डिस्काउंट बताने के लिए होती है। तो अब डिस्काउंट क्यों होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग अट्रैक्शन होता है, वो इसलिए होती है। तो मार्क प्राइस ऑलवेज आपको 100% काउंट की जाती है। अब वहाँ पे जो हमारी कॉस्ट प्राइस है ना, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आपको समझ के चलना होता है कि भाई मेरी मार्क प्राइस यही, मेरा मतलब उस कपड़े की हो या उस वस्तु की या उस चीज़ की जो 100% जो वैल्यू होती है ना, यही होती है। नहीं, मार्क प्राइस यानी उस कपड़े की या वस्तु की वैल्यू नहीं होती, असल में वो वैल्यू अलग होती है, मगर आपको ये शो अप करने के लिए या आपको लूटने की बात अगर बात करते हैं तो ये उसकी बात है। तो आपको समझ के चलना है, जो भी ये मेरा लेसन देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तब उनको समझ में आएगा। इसलिए मैं बहुत बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब क्लासेस के वक्त, कि सीजनेबल कभी भी कपड़े या ड्रेसिंग खरीदने मत जाओ। क्यों? वो बोलते हैं दिवाली के इस सीजन में बहुत बड़ी छूटें मिल रही है, बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। नहीं, पागल बना रहे हैं आपको, वही कपड़ा है भाई, वही है, कुछ डिस्काउंट नहीं है। आपको उल्टा ज़्यादा में बेच देंगे वो, क्योंकि उनको पता है इस सीज़न में उसको ऑफर दिखा के वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लूटने का एक ये होता है। मगर बहुत बच्चों को या बहुत औरतों को समझ में नहीं आता ये फंडा। जिसको मैथमेटिक्स समझ में आएगा वो समझ में जाएगा कि भाई हाँ, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो कोई भी दिमाग मतलब एक बिजनेसमैन तो लॉस नहीं करेगा, ये सिंपल सा फंडा है ना। बिजनेसमैन कभी लॉस करता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्यों लॉस करेगा भाई? वो 100 की चीज़ 90 को क्यों बेचेगा? नहीं बेचेगा, ठीक है। तो गाइस, तो यहाँ पे जो मैंने मार्क प्राइस की बात की, तो ये होती है हमारी मार्क प्राइस। इस मार्क प्राइस के बेस पे एक वर्ड भी आता, या मतलब यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, डिस्काउंट। सबसे पहले तो मैं इस मार्क प्राइस की बात करूँगा। एमपी यानी होता है मेरा मार्क प्राइस। उसके बाद ये ऑलवेज 100 काउंट करना होता है, ओके, ऑलवेज 100% के हिसाब से काउंट करना होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई वैल्यू निकालनी होती है, जिससे 100% ही बनाया जाता है। उसके बाद एक वर्ड आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी क्या? छूट किसी चीज पे, मतलब इस मार्क प्राइस पे आपको छूट दी जाती है। अब डिस्काउंट कितना भी होता है, डिस्काउंट यानी बिल्कुल एक लॉस की तरह होता है। आपको क्या करना होता है, इस 100% में से ये डिस्काउंट परसेंटेज माइनस करने होते हैं। जैसे मैंने कहा मेरी ये क्या है भाई, 100% है, और मैंने डिस्काउंट दिया आपको 20% का, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू थी, मतलब मैंने बोल दिया, अब ये क्वेश्चन यहीं पे समझ लेंगे। एग्जाम्पल है मेरा, किसी चीज़ की मार्क प्राइस मैंने 1000 रुपये पकड़ ली, ओके, मैंने किसी चीज़ की कीमत थी 1000 रुपये, और उसने, उस दुकानदार ने डिस्काउंट भी दे दिया भाई मुझे, कितना परसेंट का उसने डिस्काउंट दे दिया मुझे, कितने का, मान लीजिए, जैसे डायरेक्टली मैं वैल्यू पे बता दूंगा, 200 रुपये का उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया। बहुत खुश हो गए मेरे सामने बोलने, मतलब बातें करने से, तो उस दुकानदार ने मुझे 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब एक्चुअल प्राइस आप उसको पे कितना करोगे भाई? डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है? आपको इस मार्क प्राइस में से ये डिस्काउंट माइनस करना होता है। ये माइनस करने के बाद पे करने वाली रकम जो होगी वो इतनी हो जाएगी। मतलब क्या, पे जो वैल्यू होती है, पे वैल्यू वो कितनी बन गई भाई, 1000 माइनस 200, तो कितना हुआ, 800 रुपीज में क्या करूंगा, उस दुकानदार को दे दूंगा, ना कि 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, कितने का भाई, 200 रुपीज का। इसलिए मैंने उसको कितने रुपीज रिटर्न किए, 800 रुपये। तो इसी पर ये अभी परसेंटेज की बात करेंगे, ये परसेंटेज में होता है मैक्सिमम, ये ऐसे मतलब वैल्यू में नहीं होता। डिस्काउंट कभी भी परसेंटेज में होता है। मैंने यहाँ पे अगर बोल दिया कि 20% का डिस्काउंट दे दिया, अब आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना आना चाहिए। मैंने कहा 1000 रुपये पे उसने मुझे 20% का डिस्काउंट दिया, तो आपको परसेंटेज निकाल 20% निकालना आना चाहिए। किस प्रकार निकाला जाता है, 1000, अब मैंने कहा यह है 1000 × 20 / 100, ये कहाँ से आया, ये जो परसेंटेज का साइन दिख रहा है इसी को कहा जाता है, इसकी वैल्यू होती है, परसेंटेज के साइन की वैल्यू होती है 1/100। इस परसेंटेज के साइन की वैल्यू होती है 1/100, तो आपके पास तो 20 ऑलरेडी है, 20। तो यहाँ पे देखो, मैंने 20% था, 20/100 हो गए। अब जब इसको सॉल्व करके ये 20 20 काट दो, ये 2 पे 20 बन जाएगा, तो 200 रुपये मेरा क्या बन जाता है भाई, पैसा बनेगा। ये पैसे मैं क्या करूँगा, इस एमपी से माइनस कर दूंगा, तो मुझे अपने आप जो मेरी कौन सी प्राइस है, सेलिंग प्राइस, मतलब दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस, मेरे लिए तो अब कॉस्ट प्राइस बन गई क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ, तो वो मेरी प्राइस बन जाएगी जो मुझे पे करनी होती है, इतना मुझे डिस्काउंट मिलता है। इसी प्रकार होता है आपका मार्क प्राइस। चलो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन होगे तो हम करके देख लेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझने के लिए। चलो, a person got 5% loss
बाय सेलिंग एन आर्टिकल। फॉर 1045 रुपीज एट व्हाट प्राइस शुड बी द आर्टिकल बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का है, मगर फिर भी समझ लीजिएगा क्वेश्चन की लेवल थोड़ी हार्ड है। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, कोई एक पर्सन है, उसको क्या हुआ है भाई, 5% का लॉस हुआ है। कितने परसेंट का? 5% का लॉस हुआ है, मगर कब? जब उसने हमारा सेलिंग क्या किया, एक आर्टिकल बेच दिया। कितने रुपए को? इतने रुपीज को, 1045 रुपीज को बेच दिया, तब जाके वो क्या हुआ, उसको 5% का लॉस हुआ। अब वो कितने रुपए को बेचेगा, उसने क्या कहा, एट व्हाट प्राइस शुड बी अ आर्टिकल बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। अब वो कितने रुपीज को बेचेगा, मतलब कितने रुपीज को वो सेल करेगा, तब जाके उसको क्या मिलेगा भाई, 5% का प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब सबसे पहली बात ये है, आपको ये समझ में आना चाहिए, 5% लॉस हुआ है तो मैंने पहले ही पढ़ा था, 5% लॉस यानी क्या, 100 माइनस आप कर दो। अगर मैं यहाँ पे 100 माइनस 5% के परसेंट ये माइनस करता हूँ तो ये किसके बराबर मिल जाएगा मुझे, 95%। और यही वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 95% किसके बराबर है, 1045 के बराबर है, 1045 रुपीज़ के बराबर हो गई ना। अब मुझे तो 100% पहले निकालनी पड़ेगी, ये तो मेरे पास जो वैल्यू बन के है 1045 रुपीज़, ये तो 95% के बराबर है, तो मुझे 100% तो वैल्यू चाहिए, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में? बिल्कुल इस फॉर्म में। 100% जो वैल्यू होती है किस प्रकार होती है भाई, अगर मेरी 1045 रुपीज़ ये 95% के बराबर है, तो मुझे 100% की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो ये होती है कॉस्ट प्राइस मान लें। ओके, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है, ठीक है, ये है मेरा कॉस्ट प्राइस का फार्मूला। यहाँ पे मैंने कौन सा कॉस्ट प्राइस का, ये वाला फार्मूला यूज़ किया। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे इसमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस का मैं ये फार्मूला आपके पास होगा, कौन सा भाई, यहाँ पे तो एस पी है। ओके ओके ओके, यहाँ पे इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 95 मतलब 100 1045 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई 100, ये बन के आएगी मेरी कॉस्ट प्राइस। क्यों? ये लॉस डिवाइडेड बाय हमारा जो परसेंटेज होता है, ओके, लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे ये आपका फार्मूला बन के आएगा, तो इज इक्वल टू ये 100 बना। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ऊपर नीचे वाला नंबर मुझे 5 से डिवाइड हो सकता है। देखो अगर मैं नीचे 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितने बार चला जाता है, 5 1 5 बचते 45, 5 9 5 9 45, ये तो 19 हो गए, ऊपर भी 5 से कर लेते हैं, 5 2 डायरेक्टली 45, 5 9 209 और नीचे 19, इतना तो मुझे वैल्यू मिल गई। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता कि 209 सर ये है और ये 19 है, तो इजी जाता है, देखो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं इनटू 100, ठीक है, 19 1 19, ओके, फिर से 19 1 19 आ जाता है, तो 19 11 209 आ जाएगा, और ये 20 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है भाई, कॉस्ट प्राइस मुझे मिल के आ गई 1100 रुपीज़ मेरी कॉस्ट प्राइस है। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100 मिल गई तो अब मुझे प्रॉफिट ही निकालना था। किस प्रकार प्रॉफिट निकाला जाता था भाई, 5% प्रॉफिट है। अब 5% प्रॉफिट के लिए मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इस वैल्यू को कॉस्ट प्राइस पे, ये मेरी है कॉस्ट प्राइस इनटू, एक तो 5% निकाल सकते हो पहले, सबसे पहले इजी वे, इस कॉस्ट प्राइस का 5% निकाल लो। कॉस्ट प्राइस अगर मेरी 1100 है इनटू 5%, ये 20 20 काट लो, मतलब आपको 55 रुपीज़ बन के आ गए। तो कितने में बेचूंगा, 55 में ऐड कर दूंगा हमारे कॉस्ट प्राइस में, तो मेरी न्यू सेलिंग प्राइस जो होगी, न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होती है भाई, 1100 + 55, तो आपका आंसर आएगा 1155 रुपीज़। यहाँ पे देखो
कितना आंसर होता है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको परसेंटेज लॉस दिया है किसके बराबर, इसके बराबर। अब लॉस का मीनिंग होता है 100 माइनस, मैंने 100 में से माइनस किया तो मुझे 95% मिला, वही इसके बराबर है, तो मैंने 100% निकाला, 95 का ये बराबर है तो 100% वैल्यू इस प्रकार निकाली जाती है। तो आपको 100% वैल्यू यानी क्या होती है, मेरी कॉस्ट प्राइस, मैंने कॉस्ट प्राइस निकाली। अब कॉस्ट प्राइस का मैंने 5% पहले निकाला तो वो 55 आ गया, वही 55 में न्यू मतलब इस कॉस्ट प्राइस में ऐड करता हूँ, ऐड करने पर जो भी मेरी प्राइस आती है वो मेरी प्राइस होती है क्या, न्यू सेलिंग प्राइस। तो गाइज ये है मेरा क्या, एक प्रॉफिट एंड लॉस का कोई एग्जांपल, इसमें पूरा ऐड हो गया है, पूरे का पूरा मतलब जो डाटा होता है कि उन कौन सा गिवन होता है तब आपको क्या करना है, और मैंने जो आपके पास फार्मूले लिख के दिए अगर आप यही रीड करते हैं तो इसी बेस पे सिर्फ आपको गिवन देखना है। एक बार अगर आपके सामने गिवन आ जाए तो बस मतलब ये सिर्फ फार्मूले पुट करनी है, मतलब फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर जैसे थे मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये था मेरा आज का प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो। सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।